डे फोर आज बेटा हम लोग करने वाले हैं बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स के सारे टॉपिक। इस वीडियो में बात करेंगे इन टॉपिक के बारे में। ध्यान से देख लीजिए इस वीडियो में कौन कौन से टॉपिक है, और फिजिकल एजुकेशन के फाइनेस्ट नोट्स के लिए जल्दी से जाइए हमारी ऐप पर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा बेटा, ठीक है। और बनाइए सारे के सारे नोट्स, और एनसीईआरटी की पीडीएफ भी यार पढ़ के मजा आ जाएगा, केवल 99 रुपीज में। जल्दी जाओ और खरीदो फटाफट अभी। और मोस्ट अमेजिंग सैंपल पेपर्स के लिए हमारी ऐप पर पूरे 11 सैंपल पेपर है यार, अभी जाओ ले लो फटाफट। वेट क्यों कर रहे हो अपना? सारे के सारे मार्किंग सिंह के साथ है, और मैंने खुद समझाया भी है सैंपल पेपर्स। जस्ट गो फॉर इट राइट नाउ। सबसे पहले हमारे आगे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, बहुत सिंपल है। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, पढ़ रखे हैं क्लास 9th 10th में इनका जिक्र हो जाता है। सबसे पहले द लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया के अकॉर्डिंग इट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, अ बॉडी इन मोशन विल रिमेन इन मोशन एट द सेम स्पीड इन द सेम डायरेक्शन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। ओके, एक बॉडी जो रुकी हुई है वो रुकी रहेगी, और जो मोशन में है वो मोशन में ही रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता। अब इसका एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मान लीजिए ये पेन है मेरे हाथ पर, ठीक है। जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा ये पेन अपनी जगह से नहीं हिलने वाला है, जहां है वहीं का वहीं रहेगा, कहीं और जाने वाला नहीं है, ठीक है जी। अब एक बॉडी है मोशन में, चल रही है बॉडी, ठीक है। आपने क्या करा, एक बॉल को हिट करा, मान लीजिए अपना, वो अपनी उसी स्पीड से चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी, ठीक है, जब तक एक्सटर्नल फोर्स उस पर एक्ट ना करे। अब हमारी अर्थ पर एक एक्सटर्नल फोर्स एयर असिस्टेंस भी है, ठीक है। एयर से भी भैया चीज़ों की रफ्तार कम हो जाती है, और ग्रेविटी भी है जो चीज़ों की रफ्तार कम कर देती है। लेकिन अगर यही काम मैं मून पे करूं, जहां पे ग्रेविटी नहीं है बिल्कुल भी अपना, वहां पर मैं कोई भी एक चीज़ को हवा में छोड़ता हूं, तो जिस स्पीड पे छोड़ूंगा उस स्पीड पे वो मूव करती रहेगी एंड करती रहेगी एंड सो ऑन, ठीक है। सो पहला लॉ ऑफ मोशन कहता है सेम डायरेक्शन में और सेम स्पीड पे चलती रहेगी जब तक एक्सटर्नल फोर्स उस पर ना लगे बिल्कुल भी, और जो रेस्ट पर है वो रेस्ट पे रहेगी, कहीं जाने वाली नहीं। एक्सटर्नल फोर्स ग्रेविटेशनल पुल हो सकता है, प्लेइंग सरफेस हो सकता है, और कोई प्लेयर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल है, बॉल स्टॉप्स ऑटोमेटिकली मूविंग ऑन द ग्राउंड आफ्टर सम टाइम ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ये आप जानते ही हैं, एक फुटबॉल है, बॉल है, वो जैसे जैसे ग्राउंड पे चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी, टाइम के बाद अपने आप रुक जाती है क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स उसको पुल करता है नीचे की तरफ, इसलिए वो रुक जाती है, बहुत लंबे टाइम तक अपने इस स्पीड को कैरी ऑन नहीं कर पाती। दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ इनर्शिया, ध्यान रख के चलेंगे। इस एग्जाम्पल आप कोई भी ले सकते हैं, जो रेस्ट पर है वो रेस्ट पर है, जो मूव कर रहा है वो मूव कर रहा है सेम फोर्स पर जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता, इस बात को ध्यान रख के चलेंगे। चलिए अब बात करते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की, द लॉ ऑफ एक्सेलरेशन। इट इज द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ अ चेंज इन एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स प्रोड्यूसिंग इट। चलिए पहले यहां तक समझ लेते हैं, एक्सेलरेशन का मतलब होता है स्पीड, ठीक है। किसी ऑब्जेक्ट की मूवमेंट की जो स्पीड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या बिल्कुल रिलेटेड है जितना फोर्स उस पर लगाया जाएगा। मतलब क्या है कि एक बॉल को, ठीक है, एक बॉल है मेरे पास, ठीक है, मैं उसको जितनी तेज फेंकना चाहूँ उतना फोर्स मुझे अप्लाई करना पड़ेगा। हल्के फेंकूंगा तो हल्के जाएगी, जितना कम फोर्स लगाऊंगा उतनी कम एक्सलरेट करेगी, कम स्पीड के साथ मूव करेगी, जितना ज़्यादा फोर्स लगाऊंगा उतनी ज़्यादा स्पीड के साथ मूव करेगी। So, पहला तो पॉइंट ये है हमारा, ठीक है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल उसके मास के, ठीक है। इसका मतलब है अगर उसका वजन बहुत ज्यादा है तो बहुत ज्यादा फोर्स लगाने पर भी वो बहुत कम डिस्टेंस कवर करेगी, और अगर उसका वजन कम है वजन, ठीक है, तो कम फोर्स लगाने पर भी वो बहुत अच्छा खासा डिस्टेंस कवर कर सकती है। मतलब भारी चीजों पर जोर ज्यादा लगाया जाएगा, फोर्स ज्यादा लगाया जाएगा, फिर भी वो बहुत आगे तक नहीं जा सकती। जैसे शॉट पुट के अंदर आपने देखा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा भारी होती है बॉल, उसको फेंकना बहुत मुश्किल होता है, भारी बॉल है, बहुत फोर्स लगाने पर भी वो कम दूर जाती है, बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं जाती, तो डिपेंड करता है उस पर, ठीक है। उसके बाद लिखा गया यहाँ पर आगे, इफ टू अनइक्वल फोर्सेज आर अप्लाइड टू द ऑब्जेक्ट ऑफ इक्वल मास। अगर मैं दो अनइक्वल फोर्स लगाता हूँ इक्वल मास वाले ऑब्जेक्ट पर, मेरे पास दो बॉल है, दोनों सेम है बिल्कुल, दोनों का वजन भी सेम है, दोनों पे अलग अलग फोर्स लगा रहा हूँ, एक को हल्के से फेंक रहा हूँ एक को बहुत तेज फेंक रहा हूँ, तो ऑब्वियस ही बात है जिस पे ज्यादा फोर्स लगेगा वो ज्यादा दूर तक जाएगा। ये लिखा गया द ऑब्जेक्ट हैज अ ग्रेटर फोर्स अप्लाइड विद द मूव फास्टर, ऑब्वियस ही बात है जिस पे ज्यादा फोर्स लगाएंगे वो ज्यादा दूर तक जाएगा, ठीक है। कंजर्वली, ठीक है, इफ टू अनइक्वल फोर्सेज आर अप्लाइड टू ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट मासेस। अब मैंने इक्वल फोर्स लगाया अलग अलग मास के ऑब्जेक्ट पर, एक बॉल हल्की है एक बॉल भारी है, मैं दोनों पे इक्वल फोर्स लगा रहा हूं,
ठीक है, दोनों पे बिल्कुल फोर्स इक्वल ही लगा रहा हूँ। ऑब्वियसली बात है, जिसका मास कम है वो दूर तक जाएगी, जिसका मास बहुत ज़्यादा है वो दूर तक जा ही नहीं पाएगी बिल्कुल भी। यही हमारा है सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जिसका नाम है लॉ ऑफ एक्सेलरेशन। ध्यान रख के चलेंगे, एग्जाम्पल रखा है, इफ अ क्रिकेटर हिट्स अ बॉल विद डबल फोर्स द बॉल विद एक्सेलरेट एट अ डबल रेट, या फिर साइकिलिंग, जितनी ज़्यादा पैडल करेंगे जल्दी जल्दी साइकिल उतनी तेज भागेगी, बहुत तेज भागेगी, और बैट्समैन जितनी जोर से बल्ला घुमाएगा बॉल उतनी जोर से एक्सेलरेट करेगी और बाउंड्री के पार। थर्ड लॉ हमारा लॉ ऑफ रिएक्शन, वन ऑफ माय फेवरेट लॉ, ठीक है, दैट इज लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन हमारा, दैट इज फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। देर आर ऑल्सो मैनी एग्जाम्पल ऑफ दिस, बहुत लॉ में ये चलता रहता है स्पोर्ट्स में वाला। स्विमिंग बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है, अगर आप लोग स्विमिंग करते हैं तो आप इसको बहुत ईजिली समझ पाएंगे और बहुत ईजी है ये वाला, ठीक है। स्विमिंग में जब हम लोग को एक अच्छा स्टार्टअप चाहिए होता है, एक स्टार्ट अच्छा चाहिए होता है, तो हम क्या करते हैं, जनरली दीवार पर अपने पैरों को, ठीक है, फोर्स अप्लाई करते हैं बहुत ज़्यादा। हम जितना ज़्यादा फोर्स दीवार पर अप्लाई करेंगे उतना ज़्यादा हमें पुश मिलता है, उतना ज़्यादा हमें एक्सेलरेशन मिलता है फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर। मीन्स जितने फोर्स के साथ हम दीवार को हिट कर रहे हैं उतना ज़्यादा हमें एक्सेलरेशन मिल रहा है पानी में आगे की तरफ जाने के लिए। सो जितना फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ही अपोजिट रिएक्शन आपको मिलेगा एक्सेलरेशन की फॉर्म में। ये हमारा थर्ड लॉ है। इसमें जैसे एग्जांपल गन पिस्टल का भी ले सकते हैं, आप लोग जानते हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। सो बुलेट मूव फॉरवर्ड, ऑब्वियस ही बात है, तो ये हमारा गन एंड पिस्टल में भी चलता है, शूटिंग में भी एग्जाम्पल है इसका, स्विमिंग बहुत कॉमन एग्जाम्पल है। सो इस लॉ का नाम है लॉ ऑफ रिएक्शन, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ध्यान रख के चलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है ये।